नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूँ। दोस्तों हम आज हमारे एल एन आयुर्वेद कॉलेज में डॉक्टर समीर कुमार पान सर आपको चित्रक के विषय में बताएंगे कि चित्रक की पूरी व्याख्या, चित्रक कहाँ की, चित्रक औषधि है और चित्रक विष भी है, इस विषय में पूरी जानकारी आपको हमारे प्रोफेसर सर डॉक्टर समीर कुमार पान सर जो आपके समक्ष मैंने उपस्थित किए। नमस्कार जी। हाँ तो सर बताइए सर, चित्रक के विषय में कि चित्रक के बारे में क्या क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं। चित्रक दो वैरायटी के होते हैं, एक श्वेत चित्रक एक रक्त चित्रक। श्वेत चित्रक जो है उसका लैटिन नेम है प्लम्बागो जिलानिका एंड रक्त चित्रक का नाम है प्लम्बागो इंडिका व कुछ कुछ की तरह में प्लम्बागो रोजा भी उल्लेख है। दोनों ही प्लम्बागो जिलानिशा के फैमिली में आते हैं और इसका कुछ पर्याय है, जैसे सभी अग्निवाचक पर्याय है, जैसे बन्नी, अनल, पावक, शिखी, सब उष्ण पर्याय बची सब। आयुर्वेद में बहुल भावित एक औषधि है जो उसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। चलते हैं, हम चित्रक के बारे में डिटेल बताते हैं। ये है चित्रक का पौधे, तो ये कोई भी ड्राइव नॉट ओनली चित्रक बट एनी प्लांट कैन बी स्टार्टेड बेसिकली इन थ्री हेडिंग्स। नंबर वन इज मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, दैट इट्स कम्स अंडर द फार्माकोग्नोस्टिकल स्टडी। इन फार्माकोग्नोस्टिकल स्टडी नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन बट इट इंक्लूड्स इज नोमेनक्लेचर अवेलेबल एंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड नंबर टू फेज इज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इट्स प्रॉपर्टी, इट्स कंपोजिशन and thereon. And third phase is the pharmaceutical preparation and others. Now go through the pharmacognostical aspect. ये आपके सामने एक चित्रक का पौधा है। By nature its habitat is shrubs, perennial shrubs, not annual. It is available in all over the India but much more available in Uttar Pradesh, Paschim Bengal, Madhya Pradesh and other states like Kerala. It grows very prominently in moist areas. Chitrak attains its height up to 1 meter, 0.5 to 1 meter heights. Now we go through the detailed study. This is leaf. This is leaf. Leaf is alternate arranged, and the number one is remarkable point is for diagnostic criteria. Go through the stem. It is longitudinal striated, and this is flower, and this one is inflorescence. Inflorescence is spike in nature. Flower white in color, इसका कोई गंध नहीं होता है, odorless. You can explain the flower as pentamerous because sepal, petal, all are in 5 in numbers. If we dissect it, we will find the 5 androecium and 1 gynoecium. The stigma is bifurcated. This, see, the stigma is bifurcated. This is one important criteria. Root is used for these purposes. This is root. I will show you the good root. Then now the pharmacological aspect. For pharmacological studies, it is charak, susrut and others need to explain its properties. Charak explain its properties that chitrakam mulam dipanam pachanam gudo sofo sulo haranam. Koidarb Nigunta says that chitraka agnishama gudo sofo sulo haranajit bato darsa grohani kimi pandu kimi nasanam. That's mean and start kar diya sir.
एक चित्रक का मूल है, जबकि इसके काट लिया गया है तो वेरी टफ होता है ये, जबकि कुछ किताबों में लिखा है भंगुर है, भंगुर बिल्कुल नहीं आसान से, ये काफ़ी टफ है। द अदर्स प्रॉपर्टीज आर दिस कोटु एंड उष्णगुण संपन्न, इट्स एक्स ऑन द बाथ एंड कफ दोषनासन, इट इज कॉमनली यूज इन ऑर्स उदर रोग एंड शूल, सुश्रुत यूज इन कुष्ठ एंड प्रमेह, पर्टिकुलरली इन चक्रदत्त यूज इन मेदरग, भगवसन ऑल्सो यूज इन मेदरग, इट इज कॉमनली यूज इन फॉग मेडिसिन एज एवर्सिफिकेंट, इट इज वेरी उष्ण, सो व्हेन वी अप्लाइड द चित्रक मूल इन योनि प्रदेश द एवर्सन हैपेंस। और क्या होता है जो गांव में देखा जाता है जे इसके एक गलत उपयोग होता है इस प्रकार से, और हम लोग आयुर्वेद में इसको तो बता ही दिया, अर्स में, कुष्ठ में, उदर रोग में, मेदो रोग में बताया गया। और चरक सूत्र स्थान में फोर्थ चैप्टर में इसको लेखनीय, भेदनीय, अर्सग्न, तृप्तिग्न, शूल प्रशमन वर्ग में लिया है। सुश्रुत ने इसको आरोग्यदादिगण, बिदारी गंधादिगण, पिप्पलादिगण में इसको उल्लेख किया है। तो इससे सीधा सीधा पता लगता है जे ये चित्रक जेहेतु ये उष्ण एवं तीक्ष्ण प्रकृति, इसको बात कफ नासन में ही लेना चाहिए। कभी भी इसको अर्स में रक्तार्स में प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उष्ण प्रकृति है। अभी जो चक्रदत्त बंगसन में मेदो रोग में प्रयोग किया है, देखिए वो भी कफज व्याधि है। तो इसीलिए मैंने कौन सा दवा में यूज होता है ये याद ना करके इसको कॉन्सेप्ट में जाइए जी, ये बात एंड कफ नासन में प्रधानतः यूज होता है। और इनको कंपोजिशन अगर देखना चाहे तो कंपोजिशन ये प्लाम्बाजिन, बाई प्लाम्बाजिन, क्लोर प्लाम्बाजिन, प्लाम्बा वो जिलानिन एंड आइसो जिलानिन, ये सब अवेलेबल है इसमें अल्कालॉइड दवाई। इससे जो बनते हैं ये तो एक त्रिमद में है, सॉल्यूशन में है, और आपका चित्रक आदि बटी, चित्रक घृत, ये सब दवाई इससे बनते हैं। तो बस ये चित्र के बारे में सामान्य जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। तो देखा चित्रक के विषय में हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, और भी ऐसी बहुत सारी ड्रग्स को हम आगे आप बताते रहेंगे, और डॉक्टर साहब का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे मंच पर आए और उन्होंने इस LNCT यूनिवर्सिटी का और आयुर्वेद ऐसे जो भी नाम इस कॉलेज का है वो इन हमारे फैकल्टीज मेंबर्स से ही कॉलेज का फेम बनता है। तो डॉक्टर साहब अगले अध्याय में हम किसी और ड्रग को लेके आएंगे, तो डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूँ कि फिर मंच पे आएँ, फिर एक नई ड्रग के बारे में कुछ नया बताएँ, और हमारे दबिंग डिपार्टमेंट के दूसरे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीपक ठाकुर सर वो भी एक ड्रग को लेकर के आपके समक्ष आएंगे। समझिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। अब आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।